हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जेबीआर ऑनलाइन क्लासेस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सम नंबर 26। दिस इज द लास्ट पार्ट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज 8.6। ओके, फॉर द प्रीवियस वन और द अदर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर और द अदर चैप्टर, please check the description box, the website link, and also the previous exercise link are also there. Okay, so here some number 26. How many words can be formed out of 5 different consonant and 4 different vowels? So here 5 consonant and 4 vowels. Clear? If each word is to contain 3 consonant and 2 vowels. यहाँ पर आपको एक वर्ड बनाना है, क्लियर? आपके पास टोटल 5 कॉन्सोनेंट है और 4 वावल्स है, और जो वर्ड आपको क्रिएट करना है, वर्ड में 3 कॉन्सोनेंट रहेगा और 2 वावल्स रहेगा, क्लियर? इसका मतलब हम 5 कॉन्सोनेंट से 3 कॉन्सोनेंट चूज कर सकते हैं, और उसके साथ 4 वावल से यहाँ पर हम 2 वावल चूज कर सकते हैं। सो 5C3 एंड 4C2। अब यहाँ पर देखिए, जो 3 कंसोनेंट और 2 वावल आपने चूज कर लिया, इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब अगर मान लीजिए, मैंने 3 कंसोनेंट यहाँ पर लिख लिया, PQC 3 लिख लिया, 2 वावल्स मान लीजिए A I, इसका मतलब आपके पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 लेटर आपके पास आ गया। अब इस 5 लेटर को हम रीअरेंज कर सकते हैं। ओके, पहले P, फिर Q, फिर C, फिर A, फिर I, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PCQAI, फिर इसको PACQ, इस तरह से हम यहाँ पर रीअरेंज कर सकते हैं। तो 5 लेटर को अगर रीअरेंज करेंगे तो उसका रीअरेंज नंबर होगा 5 factorial। ओके, इसीलिए इसके साथ हम 5 फैक्टोरियल लिखेंगे। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, 5C3 4C2 into 5 फैक्टोरियल। सो यहां पर लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, यहां पर 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और यहां पर 5 फैक्टोरियल। सो यहाँ पर लिखेंगे 5 × 4 × 3 factorial, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे 4 × 3 और फिर से 2 factorial, सो 2 factorial कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 factorial को हम 2 × 1 लिख देते हैं, और यहाँ पर जो 5 factorial दिया हुआ है, सो 5 × 4 × 3 × 2 कर देते हैं, सो 3 factorial कैंसिल हो गया। नाउ 2 से यहाँ पर 4 को घटेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, सो इसे से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास है 5 × 4, सो 20, यहाँ पर आपके पास है 3, और लास्ट में यहाँ पर 5 × 4 20 एंड 3 × 2 6, सो 20 × 6 यहाँ पर हो गया, क्लियर? सो इसका मतलब यहाँ पर हो गया 400, और यहाँ पर 18, सो 7200 एज योर फाइनल आंसर। Now next, sum number 27. How many words with or without meaning, okay, each of 2 vowels, okay, 2 vowels and 3 consonants can be formed with the letter of the word honesty? So honesty, okay, yahan par kitna letter hai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल नंबर ऑफ लेटर दैट इज 7। अब यहां पर हमको कॉन्सोनेंट और वावेल को अलग करना होगा। सो कॉन्सोनेंट है HNSTY, ओके, दैट मींस टोटल 5 कॉन्सोनेंट, और वावेल है O and E, सो दैट मींस 2 वावेल्स। ओके, अब यहां पर देखिए, हमको जो वर्ड मुझे बनाना है उसमें 2 वावेल रहना चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट रहना चाहिए। ओके, 2 वावेल एंड 3 कंसोनेंट। अब यहाँ पर 2 ही वावेल है, इसका मतलब 2C2 हो गया, और कंसोनेंट के लिए हम लिखेंगे
5C3। अब यहाँ पर मीनिंग होना चाहिए या विदाउट मीनिंग। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब 2 + 3 फिर से 5 लेटर हो गया, इसका मतलब इसके साथ 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके एज सेम एज प्रीवियस वन। सो 2C2 इसका वैल्यू हो गया 1, और यहाँ पर 5C फैक्टोरियल, सो 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। सो 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 × 4, फिर इसके बाद यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 × 4 = 20, 20 × 3 = 60। सो यहाँ पर हो गया 5 × 4 = 20, 20 × 60, सो 1200 as your answer. Now next one, sum number 28. How many words with or without meaning, each consisting 3 vowels and 2 consonant, okay, can be formed with the letter word in violet. Okay, so here kitna letter hai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total number of letters say 8. अब इनमें से हम वावेल और कॉन्सोनेंट को अलग अलग करेंगे, ओके वावेल कितना है, आई ओ यू ई, दैट मींस 4 वावेल्स। कॉन्सोनेंट कितना है यहाँ पर, एन एल एंड टी, सो 3, सॉरी एन एल टी और वी भी यहाँ पर है, सो 4। सो यहाँ पर आपके पास हो गया 4 वावेल्स और यहाँ पर 4 कॉन्सोनेंट, ओके 4 वावेल्स 4 कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पर 3 वावेल मुझे लेना है और 2 कॉन्सोनेंट लेना है, ओके इसका मतलब 4C2 कॉन्सोनेंट के लिए और 4C3 वावेल के लिए, क्लियर। और जो आपको लेटर क्रिएट करना है, सॉरी जो वर्ड क्रिएट करना है, वर्ड में आपको 5 लेटर दिया हुआ है, 3 + 2 = 5, ओके अब 5 लेटर को हम रीअरेंज कर सकते हैं, सो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 फैक्टोरियल, ओके एज सेम एज प्रीवियस वन। सो यहाँ पर हो गया 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, 4 × 5 × 3 फैक्टोरियल, ओके सो 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, ओके 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 × 3 × 2 × 1, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 और दूसरा में 2, नाउ 4 × 3 × 2 और यहाँ पर 20, सो 2 × 2 = 4 हो गया, और यहाँ पर 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, और यहाँ पर 3 × 2 = 6, सो 120, ओके सो दैट वन इक्वल टू हियर 2880, ओके 2880 एज योर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट सम नंबर 29, सो हियर इन सम नंबर 29 हाउ मेनी 4 letter words, remember that, okay, 4 letters words can be formed by using the letter of the word hard work, hard work, okay, so the word hard work contain total 8 letters, इनमें से total 8 letter आपके पास है, okay, अब इनमें से R double है, दो बार लिखा हुआ है, और फिर आपके पास है H, A, D, W, O and K. So, we are to form words containing 4 letters. 4 letter देके आपको एक word बनाना है. Okay? अब यहाँ पर देखिए दो case होगा. First one, case number 1. The words contain double R and 2 other letters. Okay? हम यहाँ पर 2 R choose कर सकते हैं और बाकी 2 letter के लिए इनमें से बाकी 2 letter choose कर सकते हैं. So, इसके लिए होगा 2C2 और फिर 6C2, 2C2 क्यों, 2 R के लिए 2 R मैंने ले लिया और बाकी जो 6 लेटर आपके पास है H A D W O K इनमें से हम 2 लेटर लेंगे, सो हो गया यहाँ पर 1 × 15, सो इट्स 15। अब यहाँ पर देखिए 2 R आपके पास दिया हुआ है और बाकी 2 जो लेटर आपके पास है इनमें से इनको रीअरेंज कर सकते हैं, ओके विद इन ईच सिलेक्शन 2 R's एंड 2 अदर डिफरेंट लेटर यू कैन रीअरेंज अमंग देमसेल्फ, सो यहाँ पर फाइनल आंसर होगा 15 × 4 × 2, ओके सो दैट मींस 15 × 12, सो 180 फॉर फर्स्ट केस। नाउ नंबर 2, केस नंबर 2,
The word contain 4 different letter of 7 different letters. Okay, क्योंकि 1 R और 6 other different letters. So number of selection हो जाएगा यहाँ पर 7C4. Okay, 7C4 calculate करेंगे 35 आएगा. Now within each selection 4 different letters can be arranged among themselves in 4 factorial ways. Okay, so यहाँ पर final answer होगा 35 into 4 factorial and it's 840. So case number 1, 180, case number 2, 840. So total number of combination of words, that is 180 plus 840, and that one equal to 1020 as your final answer. Now sum number 30. This is the last sum for this video. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. Now sum number 30, it's a little bit different from sum number 29. Okay, so here the word is ineffective. Okay, और आपको यहाँ पर 4 letter वाला word आपको create करना है. तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो आपके पास 1 times letter है. That is यहाँ पर आपके पास कितना है? 1 time letter, that is 4 letter है. Okay, in और उसके बाद C, फिर T और V और 2 times letter आपके पास के I और F. ओके क्योंकि यहाँ पर एक आई है, यहाँ पर भी एक आई है और यहाँ पर एफ, यहाँ पर एक, दो बार है. और थ्री टाइम्स ऑकरेंस आपके पास एक ही है, दैट इज ई. ओके सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेटर आपके पास दिया हुआ है 11 लेटर्स. ओके आप इसको आपको रीअरेंज करना है. रीअरेंज करके यहाँ से आप सिर्फ 4 लेटर चूज कर सकते हैं. अब वहां पर डिफरेंट केसेस होगा. ओके सो यहाँ पर फर्स्ट केस ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट. ओके ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट, दैट इज द फर्स्ट केस. नाउ केस नंबर 2, 2 लेटर्स आर सेम, 1 लेटर डिफरेंट एंड द लास्ट वन आल्सो डिफरेंट लेटर्स. ओके नाउ द थर्ड केस, 2 सेम लेटर्स एंड 2 डिफरेंट लेटर्स. ओके Now the last case, 3 same letters and 1 different letters. Okay. Now the first one, all 4 letters are different. इसके लिए आपको क्या होगा? 7C4. 7 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So 7 letter में हम 4 choose करेंगे. 7P4. Okay. 7P4. Now next one, अब यहाँ पर देखिए 2 letters same है, 1 different है और फिर एक 1 different है. So जो 2 letter आपके पास same दिया हुआ है, so 2 letter क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर देखिए जो ऊपर में 4 letter आपके पास है और यहाँ पर I और A, so total मिला के 6 हो गया. So 6 letter से आप 2 letter choose कर सकते हैं. Okay, और उसके बाद 1 different, इसके लिए आप 3C1. फिर उसके बाद 1 डिफरेंट लेटर्स. ओके अब इसको रीअरेंज कर सकते हैं. ओके सो इसके लिए आपके पास यहां पर होगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. ओके 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. नाउ नेक्स्ट वन, 2 सेम लेटर्स 2 डिफरेंट लेटर्स, सो 3P2 और यहां पर आपके पास होगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. लास्ट वन 1C1 और फिर यहां पर होगा 6C1 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, सो दैट वन इक्वल टू 840. फिर इसके बाद 3 इंटू 15 इंटू 12, फिर 3 इंटू 6, फिर 1 इंटू 6 इंटू 4 एंड हियर योर फाइनल आंसर इट्स 1422.